usted por ley fue el Señor le da ahora. ¿Indica ahí que le da? Hasta usted por ley el Señor le mete y se ha una hora. Y dice, es una cuna para usted. कैलकुलेशन कीजिए 12 और 3 9 और 6 अब आगे आपका कॉन्सेप्ट तो यह दूसरा का फॉर्म है कॉन्सेप्ट का कौन फॉर्म देखिए आप कॉपी में देख सकते हैं तो यहाँ आपका टेंशन की है निगेटिव है ठीक है तो जब मान लीजिए रिजल्ट भाग का रिजल्ट निगेटिव है तो वो कैसे सवाल पहला के सीधा करेंगे ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला निगेटिव दूसरा स्थिति क्या होगा ऊपर वाला निगेटिव नीचे वाला और ये इक्वालिटी का चीन हमेशा किसके साथ रहेगा ऊपर वाला के साथ फर्स्ट ऊपर वाले को मान लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड नीचे वाले को हम क्या लिखेंगे लेस देन या पॉजिटिव है और या और इक्वालिटी इसमें लगा है क्योंकि इसमें भी इक्वालिटी का चिन्ह है और इसी इक्वालिटी को हल करते हैं 15 उधर भेजते हैं होगा इसमें 3 उधर भेज देते हैं लेते हैं अब यहाँ से 15 हटाते हैं 15 से भाग देंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड यहाँ 4 से भाग देना होगा x लेस देन 3 बाय 4 और दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ठीक है 3 बाई 4 कहाँ पड़ेगा